press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemaroo. साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है वो काम कैसे किया जाएगा ये सोचना भी मेरा काम है। मैं समझा नहीं। आपको सोना चाहिए, वो हिफाजत से आपके पास पहुंच जाएगा, मगर शर्त यह है कि ये काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दिया जाए। तुम ये काम अकेले करना चाहते हो? जी हाँ। तुम समझते हो ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि मैं यह काम अकेला कर सकता हूं। ओके, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा, लेकिन ख्याल रहे एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस होगी और दूसरी तरफ सामान। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर साहब। सीटी बजाने के लिए बैठ जा, टाइम है अभी आधे घंटे बाद अगली गाने में। तुझे कैसे पता? क्योंकि सिर्फ चार बार देखी है इसने। मौसम मौसम बोल क्यों नहीं देती उसको? हाँ, मेरा साहब ये देख रहे हैं, एचपी का है। मेरे लड़के ने वहां से मेरे लिए लैपटॉप भेजा है। ये है मेरे पापा। मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे प्रेम के पापा को लगता था। प्रेम के पापा की तरह ही मेरे पापा भी मुझे समझा समझा के थक गए। पिताजी आप मुझे निखट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। लेकिन लाइफ में सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, मेरा पड़ोसी जिसे अपने अमेरिका वाले बेटे से ज्यादा मेरी फिक्र रहती है। रोज आ जाता है मेरे पापा को जलाने। जब भी उससे बातचीत करनी हो तो क्या कहते हैं वो कर लो, चैट चैट कर लो। देखिए ये माउस है, अब कुनाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, स्ट्रगल करने गया होगा। नहीं। अरे शर्मा जी को चाय वगैरह कुछ मिलेगी? अपने अमेरिका वाले बेटे को क्यों नहीं कहते चाय लाने के लिए? कुसुम अभी लाई। ये है मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा कैरेक्टर, मदर इंडिया, मेरी माँ। हाँ थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन मुझे ऐसी अच्छी लगती है। बिल्कुल मुझ पे गई है।
अरे ये क्या कर रहे हो? कुणाल का गाना है और आपने चैनल चेंज किया? अब रहने दी, दो कितने बार देखोगे भाभी जी? आएगा आएगा। कौन सा चैनल था? 16 नंबर। ठीक है फिर से देखो। अभी 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 और ये मौसम, इसके बारे में क्या कहूं? बिल्कुल अंजलि है, अंजलि, संजू की अंजलि। और ये जो साइड में फ्रीज हुआ है ना, ये मैं हूं। ये 3 सेकंड का शॉट देखने के लिए चौथी बार आई है, थोड़ी पागल है। पूरा गाना नहीं दिखाते। अगर आप पूरा गाना देखते ना, तो ये ऐसे हीरो हट जाता है ना, तो तीसरी लाइन में चौथा लड़का मेरा कुणाल था, ऐसे डांस कर रहा था। मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। चलिए मुबारक हो मेरा साहब, 3 साल में आपका बेटा चौथी लाइन तक तो पहुंच ही गया, अब साल डेढ़ साल में दिखने भी लगेगा। चलिए आप तो रिटायरमेंट ले ही लीजिए। चलता हूँ, मेरे लड़के के आने का वक्त हो गया होगा अमेरिका में, जरा उससे चेटिंग कर लूँ। चाय तो पीनी है आपने? ठंडी हो गई होगी, कल फिर आऊंगा। चलता हूँ भाभी जी। फायर ब्रिगेड बुला दो। शर्मा आग लगा के गया। क्या गलत कह रहा था वो? सारा मोहल्ला भी तो यही कहता है। तांबे साहब का बेटा सीए का एग्जाम दे रहा है, अपने मैनेजर साहब का बेटा मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा है, और इनका बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। टीवी पे तो नहीं दिखता। तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा फिल्म। हाँ, इसीलिए सिर्फ 4 बार देखी और 5 बार देखी। टिफिन समोसा लाया ना? क्या करिए मौसम। आंटी घर में वेट कर रही होगी। आंटी के साथ साथ अंकल भी वेट कर रहे होंगे। तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? अभी प्लान किया मगर सीधा घर जाना है क्या? के लिए थैंक्स, डांट कम पड़ेगी। आज नहीं, आज उसका बर्थडे है। ठीक है आज नहीं। हाँ। ओह, प्लीज आज नहीं। प्रणाम माते। कहाँ था पूरा दिन, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। चश्मे के बगैर पेपर पढ़ रहे? सुबह बोला तो था हैप्पी बर्थडे। चलिए खाना खाते हैं। माँ खाना लगा। थैंक यू। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा फर्स्ट क्लास। आज बर्थडे था तो टिफिन। मेरा दिन बहुत अच्छा था। पता है मैंने आज 2 जॉब इंटरव्यूज दी, उसमें से 1 जॉब नक्की, दूसरी वाली ऑलमोस्ट पक्की। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में? जैसे ही सोचूंगा सबसे पहले आपको खबर करूंगा।
छोड़ो ना यार, खाना खा रहे हैं, आज मेरा बर्थडे है, केक भी खाना है ना? केक, केक, चल पहले खाना तो खा। हाँ खाना। हाँ वो तो ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, केक भी खाएंगे। मैं ही लेकर आया था 150 रुपए में। मैं कहना ये चाहता हूँ कुणाल कि हम दोनों को बड़ी खुशी होगी अगर तुम्हारी नौकरी लग जाए। फिर अगले साल अपने जन्मदिन पर तुम अपने पैसों से हमें डिनर खिलाओ, हमारे लिए केक लेकर आओ, सच में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स मां, खाना बहुत अच्छा था कुणाल, और इस केक के 150 रुपए मैं दे दूंगा। आंटी मैं अभी उसे लाती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है। नहीं सुधरोगे तुम, मैंने कहा था ना आज के दिन नहीं। जरूरत थी केक के पैसे का जिक्र करने की? अरे 150 रुपए की बात नहीं है ये, जो बात है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन वो काम कर तो रहा है, वो डांस करता है, फाइट करता है, एक्स्ट्रा बन के मेरा बेटा घंटों धूप में खड़ा रहता है, कर तो रहा है वो काम। ये बताओ उसे ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है, एक सीधी सादी नौकरी नहीं कर सकता वो? कुछ लोग 9 से 5 की नौकरी में खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा बनना चाहते हैं। मेरा बेटा उनमें से है। खा लो केक, खा लो, मेरे बेटे का जन्मदिन है, खा लो। सर थोड़ा सा फेस राइट टर्न करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। ओके ये भी परफेक्ट है। ओके कुणाल आप ये बता सकते हैं कि इंडिया आपको इतना क्यों चाहता है? वो तो हमने नीचे देखा ही अभी। कम ऑन कुणाल, कम ऑन मौसम, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? इंडिया के फ्यूचर सुपरस्टार का इंटरव्यू ले रही हूँ। सर सर प्लीज मेरा करियर बन जाएगा। Now that's like it. Okay, sir, हमारे यंग यूएस के लिए सुपरस्टार बनने का आपका फेमस रेसिपी प्लीज बताएंगे। क्या तुम जर्नलिस्ट लोग भी एक ही सवाल को बार बार पूछते रहते हो? शह, लास्ट बार बता रहा हूँ, लिख लो। Okay. स्टार बनने की रेसिपी बहुत ही सिंपल। एक कप अमिताभ का टैलेंट लीजिए, उसे परसों धीमी आंच पे रखिए। आई। उसके बाद उसमें आधा कप शाहरुख का चाम मिला दीजिए। हाँ। उसे उबालिए। उसके बाद उसमें 2 चम्मच आमिर की इंटेंसिटी, 1 चम्मच ऋतिक का डांस। इस सब को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें सलमान की लुक्स का तड़का लगा दीजिए। बस आपका सुपरस्टार तैयार है। आठ साल का था मैं जब हम लोग यहाँ रहने आए, तब मैंने सबसे पहले ना तो अपना घर देखा ना ये बिल्डिंग। सबसे पहले मैंने देखा था ये पोस्टर, तब यहाँ पर सलमान भाई की फ़ोटो लगी थी, और मैंने माँ से कहा था कि एक दिन इस पर मैं आऊँगा। माँ हंसने लगी। पता है कुणाल, हम सब में से सिर्फ एक तुम थे जो बचपन से जानते थे कि उसे क्या बनना है। एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू डेस्टिन्ड टू बी अ स्टार कुणाल। काहे का स्टार, 2.5 साल से रगड़ा रहा, डांसर फाइटर, एक बार तो बड़ा रोल है बोल के क्राउड में खड़ा कर दिया था मुझे। बस एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाए ना, बस देखने में और सोचने में जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए खत्म हो गई। बस यही डर लगता है कि मैं भी उनमें से एक ना हूँ। पता है डैड शायद सही है, लेकिन मैं भी पूरी तरह गलत नहीं, क्या करूँ, इसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। तुम्हें वो क्यों नहीं नज़र आ रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है? मैं तुम्हें वहाँ देख सकती हूँ, ऑल द स्टार्स। Good morning, Gali.
पागल हो गया क्या टिफिन? अबे इधर आ यार, 1 2 3 4 डांस विद मी, दिन तना ना दिन तना ना दिन तना ना दिन ना दिन। ओ अच्छा अच्छा, मैं तेरा बर्थडे फिर से भूल गया, आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। बर्थडे खुश है यार, साथ में हो जा। ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं है, एकदम नाटक कर रहा है नाटक। अबे हुआ क्या है, क्या हुआ है? ये देख ब्रदर, तेरी फोटो छपी है पेपर में, फोटो। अबे ये जो, अबे जाके मौसम से कह दे ऐसे घटिया मजाक ना किया करे। तुम लोग किसी भी पेपर में मेरी कोई भी फोटो छापोगे तो मैं मानूंगा क्या? अच्छा ठीक है, मौसम ने इस पेपर में फोटो छापी तेरी, लेकिन इस पेपर का क्या? ये देख मुंबई मीरा प प प छापी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में प प प, ये देख मिड डे में किसे छापी है, देख हर पेपर में तेरी फोटो छापी है, ये देख। अबे हाँ, ये तो मेरा ही फोटो है। मैं कब क्या हूँ, मेरी फोटो है। लेकिन ये किचन कब थी? जैसी यही क्या हूँ, तेरी फोटो है यार। मैं तो हर्ट हो गया। अबे टिफिन रुक रुक। भाई ये कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन लगता है मेरे को। साइड हो जा। ये अभी तो सक्सेना, सक्सेना प्रोडक्शन की पिक्चर है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सक्सेना भाई बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। 50 करोड़ की फिल्म में लॉन्च होने वाला नया चेहरा। नहीं नहीं, हट टिफिन। लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, इनसे तो मैं मिला भी नहीं हूँ यार। इनका ऑफिस क्या है, ऑफिस क्या है इनका? अरे जू में यार, जू में होगा। हाँ हाँ, देख पहले मेरे को जाके उनसे पूछना पड़ेगा, कुछ कंफ्यूजन है। देख तू किसी को मत बताना, रिपोर्ट करने की जरूरत है। कुणाल बधाई हो बेटा, बधाई हो। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा था मेरा साहब को, खून हार विरवान के होते चिकने पर सफलता मिली गई ना। ये क्या है, अरे ईमेल में मेरे लड़के को कल ही मिल गया था इंटरनेट पे। बधाई हो बेटा, बधाई हो। मुझे मालूम था एक न एक दिन शाबाश। अंकल शूटिंग पे जाना है, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी। कुणाल मेरे हीरो है, ढक्के टिकिंग ढक्के टिकिंग, अरे रोल मिल गया रे। और ये सब क्या है, सारे मोहल्ले को पता चला और माँ को ही नहीं बताया? अरे माँ वही पता करने जा रहा हूँ, तू कुछ मत पूछ, मैं आ रहा हूँ दो मिनट में, आ रहा हूँ। लेकर जाना। ए देखा मेरे सुपरस्टार का फोटो, क्यों शर्मा जी देखा? अबे उतर उतर, अबे चल नहीं रही है। टेढ़ा कर इसे, टेढ़ा कर। क्या टेढ़ा कर, लमरेटा थोड़ी है ये। डैड प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है मुझे मालूम है। ऑल द बेस्ट। लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे इसके स्पार्क प्लग का केबल ढीली होगी, उसको ऐसे टाइट करो ऐसे। चेक किया था मैंने डैड, लेकिन नहीं हो रही है ये। क्या बात है मेरा साहब, बेटे की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ। अरे तो हमारी ले जाओ। वैसे मन तो नहीं करता तुम्हें बाइक देने का, लेकिन क्या करें, हमारे पास गाड़ी भी तो नहीं। भाई आज भर की तो बात है, कल को तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कुणाल साहब बस जरा पीछे देखने वाला शीशा टूटा हुआ है, मगर अब आप पीछे देखोगे क्यों, बेस्ट लक। मिस्टर मिश्रा इनसाइड। इस तरफ सर, आइए। यहाँ पे निजाम टेरिटरी का कलेक्शन। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग सर। फोटो देखी ना बाबा? हाँ सर, सर देखी, लेकिन अच्छी नहीं लगी ना, अच्छी नहीं लगी ना। अरे मैंने बोला था ये बॉम्बे टाइम्स वालों को कि रुको, बाबा का एक प्रॉपर फोटो सेशन होने वाला है, लेकिन आपको मालूम है ना मीडिया कीड़ा ना, रुक ही नहीं पाए ये लोग। नहीं सर, फोटो अच्छी है, लेकिन ये फोटो मेरी, अब मेरी तो नहीं है ना बाबा। बाल आपने बाल स्ट्रेट करवा लिए ना? नहीं नहीं, ये भी अच्छे ही है, अच्छे ही है ये। नहीं सर, बाल पहले से ही ऐसे हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये फोटो मैंने खिंचाई नहीं है। लेकिन आपकी है, लेकिन नीचे लिखा होना चाहिए ना, करण सक्सेना इंडिया का नेक्स्ट सुपर स्टार। ये मीडिया वालों ने भी ना रायता फैला रखा है। करण सक्सेना सर, मैं कुणाल मेहरा हूँ। क्या बाबा, डैडी ने हमको बोला था आपको मजाक करने की बहुत आदत है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में ही मिला आपको। नहीं सर सीरियसली, मेरा नाम कुणाल मेहरा है सर। सर मैं बोरीली में रहता हूँ, मैं आपके ऑफिस में पहले भी एक दो बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अंदर आने नहीं दिया। ये देखिए सर, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मेरी फोटोग्राफ्स है सर। अरे बाबा चलिए वाली, आप भी। एक मिनट, करण सक्सेना, सक्सेना साहब का बेटा? नहीं सर, मैं कुणाल मेहरा, मेरे पापा का नाम अभिराम मेहरा। अरे बेटा,
कमाल का सिस्टम है तुम लोग का, हीरो बाद में पैदा होता है, डुप्लीकेट पहले निकल आता है। क्या किस्मत लिखवा के लाया है बेटा तू? ये शाहरुख देख इसको बस। क्या करें, किस्मत ही कुछ ऐसी है। चल बैठ 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 बैठ। तू एक काम कर, अब तू बस दुआ कर कि ये पिक्चर निकल पड़े, क्योंकि क्या है, जितना मेरा हीरो बड़ा बनेगा ना उतनी तेरी रेट बढ़ेगी, समझा ना तू? तब तक तू ये टीवी जो सब ये आइटम होता है ना, लाफ्टर चैलेंज चुलेंज, और ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी, और अपना जो भी टूर स्टेज शो वगैरह होता है ना, उसमें थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी तेरी, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा सुन, इंस्पेक्टर की ड्रेस में कोई फोटो है क्या तेरी? हाँ, क्योंकि क्या है, एक आदमी है मेरा, वो 20% कमीशन लेता है। और अरे सुनना, अरे बी ग्रेड पिक्चर में चांस है तेरी, ट्राई करना। हेलो। हे स्टार, स्टार बोलो कि सुपरस्टार। मौसम, मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ। क्यों, बहुत लोग खड़े क्या? हमारा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। कुछ भी ठीक नहीं है मौसम, वो फोटो मेरी नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर सक्सेना के बेटे की है। तुम्हारा फोटो नहीं है? कम ऑन स्टार, मजाक छोड़ो। मौसम मैं आ रहा हूँ, आके समझाता हूँ। क्या हुआ मौसम, क्या कहा उसने? पता नहीं, वो कह रहा था कि वो जो फोटो छपी है उसकी नहीं, किसी प्रोड्यूसर की बेटे की है। उसकी नहीं है मतलब? I don't know, किसी प्रोड्यूसर के बेटे। मौसम मजाक कर रहा होगा वो तुझसे। तूने कुणाल को ही फोन किया था ना? खिंचाई कर रहा होगा तेरी मौसम। लो, स्टार बनने चला, इतना आसान है क्या? 50 करोड़ की फिल्म, हलवा समझा है क्या? ए, क्या बोला भाई तू? ए हीरो, जा जा उसकी माँ को रोक, मुफ्त में मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटते फिर रही है। तेरी तो मैं धनी, रहने दे, अपनी स्टार को आने दे, देख लेंगे बाद। चला मुरारी हीरो बनने। सब ठीक तो है? क्या हुआ यार, मौसम बता रही थी पेपर में तेरा फोटो नहीं आया, किसी प्रोड्यूसर के बेटे का फोटो है। ऊपर चल, ऊपर चल के बात करते हैं। चल, चल चल। सर ऑटोग्राफ प्लीज सर। थैंक यू तांबे जी। अरे मौसम बोल रही थी कुछ, शीशा तो टूट गया। कैसे? ये वाला, ये आपने सुबह कहा था ना ये टूटा हुआ है। ए हीरो, चलानी नहीं आती तो लेके क्यों गया था गाड़ी? ठीक है, मेरी गलती है, मुझसे टूटा है, मैं पैसे दे दूंगा इसके आपको। थैंक्स। ए पैसे करो, किसको दिखाता है तू? पैसे की बात की किसने? देखो देखो, हीरो बना नहीं, पैसे का रूप दिखा रहा है। तांबे जी देखिए, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज तमाशा मत बनाइए प्लीज। सुन रहे हीरो, अपने डायलॉग अपने फिल्म के लिए बचा के रखना, अगर मिली तो। कुणाल छोड़, बकवास कर रहा है, चल कमा। ये तेरा शीशा है ना? क्या कर रहे हो कुणाल, चुप मत कर, क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी छोड़ दीजिए, मेरा छोड़ दो। क्या बदतमीजी है ये? एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? एक दिमाग खराब हो गया है? मेरा, ये हमारे सब साथी हैं यहाँ पे। मेरा साहब अब बच्चा है, गलती हो गई, गुस्सा थूक दीजिए। नावे में छेद हो तो पतवार क्या करे, आप भी क्या कर सकते हैं? मेरी सुनिए, मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए इसे, 4 पैसे घर में आएंगे, मर्जी होगी तो आपको खिलाएगा, नहीं तो अपना खर्चा तो चला ही लेगा। नाराज मत होइए, आराम कीजिए। क्या तमाशा लगा रखा है, अपने घर का लड़का है, चलो 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 भाई। भाई ये लास्ट है, इसके बाद नहीं। अबे सब कुछ लास्ट है, लास्ट चांस ही तो था।
अब ना साला डांस करने देंगे और ना ही फाइट। सब कहेंगे ये तो करण सक्सेना का डुप्लीकेट। आज भी यही कहा था भाई। तेरा पोपट हो गया यार, पोपट हो गया यार तेरा। पोपट हो गया यार तेरा। छोड़ना यार कुणाल। देख मेरा दिल कहता है तू साला बहुत बड़ा स्टार बनेगा। स्टार आज के बाद मुझे स्टार मत कहना प्लीज। भाई भाई ये यार तू हर साइड में, मैं तुझे समझाता हूँ भाई। मैं टिफिन, मैं तेले विश मांगता हूँ। वो टूटते तारे को क्या कहते भाई, बोलना। शूटिंग स्टार। हाँ शूटिंग स्टार से तू स्टार बनेगा भाई। मैं बोल रहा हूँ ये ले, ये मूंगफली भाई शाइनिंग अमाउंट है, खा यार। शूटिंग स्टार। हाँ अपना साला शूटिंग रही और नहीं स्टार। ड्रिंक किसने बनाया? जेम्स, तेरे को पता है ना मेरे को साइनस है। इतना सारा आइस मिश्रा, जब पचती नहीं है तो पीता क्यों है? सॉरी बाबा, थोड़ी ज्यादा हो गई। लर्न टू होल्ड योर ड्रिंक बारी, बड़े आदमी की पहली निशानी। आई एम रेडी गाइस, लेट्स गो। करण, हाँ? कहाँ थे तुम? पूरा मीडिया वेट कर रहा है तुम्हारा। यार अपनी लाइन याद कर रहा था जो आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए दिए। हाँ? चलो एक्सक्यूज मी। ऑलराइट ठीक से बैठो। वो सब तो ठीक है, मेरी हीरोइन का है। हाँ? बरखा जी, ये आपकी पहली फिल्म है, इतना बड़ा लॉन्च है, आप अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, आई मीन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े बैनर और एक फ्यूचर सुपरस्टार के साथ काम करने वाली हूँ। आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑथरबैक्ड रोल। मिस्टर करण, क्या आप अपने आप को इतना लकी समझते हैं कि आपके पिता इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं और इसलिए उन्होंने आपको इतना बड़ा ब्रेक दिया? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? करण। सॉरी। ऑथर्स परफॉर्मेंस इज बैक ओरिएंटेड, माय परफॉर्मेंस इज। करण जी, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आप कुछ स्पेशल फील करते हैं? आपने इतने बड़े प्रोड्यूसर के घर में जन्म लिया है, आप एक आम आदमी से अलग हैं, आपको लगता है कि आप सुपरस्टार बन पाएंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाम क्या है आपका? निशिकांत दीक्षित, IBN 7 से। अच्छा, आपके चेयरमैन मेरे दोस्त हैं। मैं बात करूंगा उनसे आपके बारे में। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जर्नलिस्ट को भूख और प्यास नहीं लगती भाई? हर बार इज ओपन, ये सवाल जो आप तो होते रहेंगे। कम ऑन, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। लेट्स गो भाई, आई सी यू राइट। लेट्स गो दैट। राइट गर्ल,
जम जो तो ये चारों तुम्हारे साथ हैं? कौन? बेबी मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेने गया था. कम ऑन, यू डिडंट इवन टेल मी यू वर कमिंग. नॉटी गर्ल. आई डिडंट नो यू वर थ्रोइंग अ पार्टी. पार्टी? बेबी ये पार्टी थोड़ी है, ये लोग अपने आप आ गए. अब वापस तो भेज नहीं सकता हूं मैं, यू नो ना. यू नो व्हाई आई लाइक यू सो मच? व्हाई? बिकॉज़ यू गिव मी सो मच स्पेस. ओए क्या कर रही है? किसी तो ले रहा था मैं. ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन स्पेस में भेज दूंगी तुम्हें. राइट. क्या कर रही है? Shit. Truth or dare? Like always, the truth. Do you love me? Dare? क्या कूदी मार रही है? नहीं चलना है, जाओ. यू मीन सीरियसली यहाँ पे? सीरियसली वहाँ पर. गो. ठीक है. जय महाराष्ट्र. इसके ऊपर? फंस गया बेटा करण. फंस गया. ओह क्या कर रहे थे तुम? What are you doing? गिरने वाले थे तुम? मुझे ऊंचाई से डर लगता है. फिर क्यों किया तुमने? हाँ? Because I love you. You too, oh my poor baby. But don't forget, we are just co-stars. सक्सेना जो भी बोल, तेरी किस्मत बहुत सही है यार. तू ब्लाइंड खेल के भी जीतता है. हमारे जैसे फाइनेंसर तेरे आगे पीछे घूमते हैं. बेटा अगला सुपरस्टार है और बीवी भी छोड़ के भाग गई. यही कहना चाहते हो ना तुम?
ब्लाइंड खेलकर जीतने के लिए किस्मत नहीं हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो हमारी है सक्सेना, दाव तो हम खेल रहे हैं। दो फ्लॉप के बाद भी तेरी फिल्म पे पैसा लगा रहे हैं, पूरे 40 करोड़ लिए हैं तूने मार्केट से। शो कर शो। अपने लिए पैसा लगा रहे हो सिन्हा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये एक पैसों का खेल है, मेरे लिए मेरे रेपुटेशन और मेरे बेटे की करियर का। स्ट्रेट फ्लश। ए हेलो, व्हाट्स अप? ए मर गया क्या? अरे तुम लोग। मैडम जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ आप डिनर पे गई थी, याद है आपको? हाँ। तो उन्होंने आपको ना फिर वे पे बुलाया, वो आपको साइनिंग अमाउंट देनी थी। अच्छा, उनको बोलो पहले स्क्रिप्ट सुनाए, रोल के बारे में बताएं, फिर हम बात करेंगे। ओके। ओ मैडम जी, लगता है आप नाराज हो गई। देखिए प्लीज नाराज मत होइए। नाराज की बात नहीं है। किसका फोन? देखिए मैं बाद में फोन करती हूँ। किसका फोन है? बेबी, यू नो आई लाइक यू सो मच। व्हाई? बिकॉज़ यू गिव मी सो मच स्पेस। अच्छा, अभी मैं तुमको स्पेस में भेजूं? करण। कौन है? तेरा बाप। डैड। कम है? आर टू मिनट्स आर कमिंग। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे लाओ लाओ, लकड़ी दो लकड़ी दो। चलो अभी खींचो, पुल मी, कम ऑन डैड, खींचो। वेरी गुड, व्हाट्स अप? क्या है? अरे पिज्जा है यार, कम ऑन गिव इट, आई एम हंग्री, मेरे को दो। पिज्जा? मैं तुम्हें स्टार बना रहा हूँ, 50 करोड़ की फिल्म है मेरी, और तुम ये पिज्जा खा रहे हो। क्यों बना रहे हो? किसने बोला? I didn't ask you to। 50 करोड़ की फिल्म है, स्टार नहीं बनना यार, एक्टिंग ही नहीं आती। किसे आती है? किसे आती? मेरे को तो नहीं आती। किसी को नहीं आती। 12 फ्लॉप दोगे, 13वीं में हिट हो जाओगे, और अगर नहीं भी हुए तो ये तुम्हारा बाप बैठा है ना, प्रेस में बोल बोल कर तुम्हें हिट बना देगा। फिर ऐश करना। तो ऐश तो अभी भी कर रहा हूँ। I mean, come on, dad. आपने कमाया, ग्रैंडडैड ने कमाया, सब कमा रहे हैं। खर्चे का कौन? मैं उठाता हूँ ये जिम्मेदारी। कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर सिर्फ एक कृपा कीजिए, मेरे सेट पे कल 9 बजे आ जाइए। नाइट शिफ्ट है ना? सुबह 9 बजे। और देखो, तुम इतने बड़े स्टार नहीं हुए हो कि मेरे सेट पर लेट आओ। आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, अमीन, अब इतना बड़ा स्टार हूँ, 50 करोड़ की फिल्म है, तो साइनिंग अमाउंट तो दो। साइनिंग अमाउंट? गिव गिव। मेरे ही बेटे हो। कौन डैड? शाबाश डैड। रोलेक्स 650, 10 लाख की है। ओरिजिनल है? एकदम ओरिजिनल। फिर चलेगी। लेकिन हाँ, बाकी कैश लूंगा। कल सुबह 9 बजे। गुड नाइट डैड। रोलेक्स रोलेक्स 650। अब क्या हो गया भाई?
ये क्या है? Happy birthday to me. आपको याद था मेरा बर्थडे? सारे दोस्त आए, दारू पिया, पार्टी किया, चले गए. किसी को याद नहीं. डैड आए. आपको याद था. थैंक यू. थैंक यू. नींबू पानी. हैंगओवर कल सुबह. ओके थैंक यू. हैप्पी बर्थडे करण. मार डालेगा. डैड गए. ओ शिट. ब्रेस दो जल्दी. अरे जल्दी दो. जैकेट कपड़े में. नींबू पानी दो जल्दी. लेकर आओ लेकर आओ. नीचे लेकर आओ. मर गया. What's up, Dad? Hey. Where is everybody? जल्दी आ गया ना मैं. Shut up! चार घंटे देरी से आए हो तुम. सब सो गए यहाँ. कहाँ है फोन? कहाँ है तुम्हारा? तुम उठाते क्यों नहीं फोन? तुम्हारा है? Where is your phone? वो छोड़ो अभी. जाओ. ये रहा. जाओ. Full light. Good morning, Karan sir. कैसा बाबा? ठीक हूँ साहब. थैंक्स जी. ए बरका. नमस्ते करण जी. हे ये क्या थम्स अप पी रहे हो? काम पे लगो. केके स्टार्ट द शूटिंग. हे केके फोन सर. थम्स अप नहीं सर. सर सीन समझाओ आपको सर. सर सीन ये है, बरका जी वहाँ बैठी है. ये ग्रीन के पीछे. हाँ जी सर वहाँ बैठी हुई है. काफी इमोशनल डायलॉग है सर ये वाला. हाँ सर ये कितना बड़ा. एक सर बच्चा आगे का सीन सुनेंगे सर. सर का थोड़ा इमोशन डालेंगे ना. अरे इमोशन लूज मोशन सब चलता है. अब व्हाट आई एम सेइंग इज और सर जल्दी छोड़ देगा सर. सर पहले सीन कर लेते सर. इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नीड टू एक्ट. यू नो पीपल शुड नो दैट आई कैन एक्ट. कैमरा सीन 45 बाय 1 टेक 1 एक्शन. लॉट आउट सिद्धार्थ. नहीं रोशनी नहीं. मैं बहुत दूर निकल आया हूं. और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वहां पे कोई यू टर्न भी नहीं. सिर्फ एक अंधी गली है. और मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ बेहताशा. रोशनी मुझे भूल जाओ. मैं तुम्हारे पाक. कट. लाफिंग यार. सॉरी यार. हंस रही है. कट. अरे यार के जस्ट टेल मी समथिंग. ये कौन सी जगह पे हम लोग जहाँ लोग इस तरह बात कर रहे हैं? फिल्मों में. सर हुसैन साहब के डायलॉग्स हैं. पिछले 40 सालों से डायलॉग्स लिख रहे हैं वो. 40 सालों से. कितने हिट दिए उन्होंने भाई. उन्हें बोलो बस करे यार. 40 साल में तो थोड़ी अकल. व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? डैड मैंने बता रहा था कुछ नहीं है. टाइम पास कर रहा है. हुसैन साहब की तारीफ कर रहा है. तू शॉट लेना यार. के कम ऑन. टेक द शॉट. ओके वन मोर. क्लब इन. मैं तुम्हारे पास जज्बातों के और जिस धंधे में मैं हूँ. सॉरी. अरे वो लग गया यार. नहीं रोशनी नहीं. प्लीज लेट्स कॉन्सेंट्रेट. हेलो
I'm sorry. What's happening? पागल शॉट में हूँ यार. कोई बात नहीं के. One more. Come on, do it. क्योंकि तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है तेजा. सर क्या हुआ? कुछ नहीं होगा सर. अरे कुछ होगा. अरे उधर क्या खड़ा तू? इधर आने यार. I'm scared of heights. अरे हाथ क्या जान भी ले लेगा क्या? नहीं I'll do it my way. मैं अपने हिसाब से करता हूँ. Okay? Ready? Action. क्योंकि तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है तेजा. Okay ना? ये टूट गया. I think this will work better than the jump. Watch it. ये क्या हो रहा है? करण साहब लगता नहीं है. अरे क्या लगता नहीं है? मेरा मुंह जल जाता तो. ए दिखा एक बार दिखा. देखा? अरे नहीं साहब मैंने बोला था पहले. तू उधर दिखा ना. अभी मैं चलता तो. अरे बच गया. ये नहीं होगा जस. नहीं होगा. नीचे ले नीचे ले नीचे ले. अरे नीचे ले. ये क्या है भाई? यहाँ क्या कर रहा है तू? क्लैप बराबर देता नहीं है तू. हीरो का नाक कटा दिया क्लैप के बीच में. पैसे किस बात के मिलते तुझे? हाँ अरे ऐसा हीरो है तुम्हारा, चार आदमी लगेंगे इसको क्लैप मारने को. शट अप. बहस मत करो मेरे से, नहीं तो चलते बनो यहाँ से. बांदा बलिया से भैया बुला लो चच्चा, वो अच्छी एक्टिंग कर लेगा इससे. ज्यादा बकवास मत करो, निकलो यहाँ से. जा रहा हूँ जा रहा हूँ. मेरे को कोई शौक नहीं है. अंधेरी स्टेशन पे फल्ली बेच लूंगा तेरे सेट पे काम करने से अच्छा. तू भी जाकर भोजपुरी ज्वाइन कर ले. निकालो उसको बाहर यहाँ से. काम की कमी नहीं है यहाँ पे. और नल्ला हीरो तुम्हारा सुपर फ्लॉप है पिक्चर. लिख के रख लो लिख के. सलीम भाई को अभी फोन लगाऊंगा, पूरा सेट जला के राख कर देगा. बाप प्रोड्यूसर है तो क्या हुआ, लौंडे को भी तो एक्टिंग आने को मांगता है. सर पैकअप करवा दे. एक्चुअली नहीं, एक और रास्ता है. फोन किया था. It's spinning. नीचे ले यार. डांस कर लेते हो? Mind blowing. Very good. Shabash. Thank you, sir. क्या बात है? कहाँ थे अब तक? Sir, hero के पीछे चौथी लाइन में. देखा? Next shot. Thanks, buddy. डांस तो आप इससे करा लोगे, मैं जाऊं? अजनबी ख्वाब में
देखा था जो हो तुम वही दिल मुझे ले चला चल पड़ा मैं तो वही अजनबी ख्वाब में देखा था जो हो तुम वही दिल मुझे ले चला चल पड़ा मैं तो वही तो नया एहसास है जो मेरा मन उड़ रहा रोके से भी रुकता नहीं किस ओर ये मुड़ रहा बूंदे गिरी ख्वाहिशों की तो मैं एक पल भी न खत्म रहा अजनबी था जो हो तुम वही दिल मुझे ले चला चल पड़ा मैं तो वही रात दिन में जागता हूँ बीते पल को सोचता हूँ हर कदम को देखता हूँ मैं रात दिन में जागता हूँ बीते पल को सोचता हूँ हर कदम को अजनबी ख्वाब में देखा था जो हो तुम वही दिल मुझे ले चला चल पड़ा मैं तो वही अब ये सब चीज को अच्छे से मिक्स करो उसके बाद सलमान भाई के लिए उसका तड़का मारो और सुपरस्टार तैयार अरे भाई बहुत आसान है बता रहा हूँ एक्सपीरियंस है बाकी ये सब नल्ला वसा जगह गॉगल पहनने से कुछ होता नहीं है क्या किधर से लिया रहे हैं लोखंड वाला से गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग सर यू आर गुड थैंक यू और क्यों ना हो शक्ल जो मुझसे मिलती है हाँ पर किस्मत नहीं नो बट सीरियसली तुमने खुद फिल्मों में ट्राई नहीं किया ट्राई तो बहुत किया बस अपने लिए एक प्रोड्यूसर बाप नहीं ढूंढ पाया अच्छा करण टेल अस व्हाट इज योर रेसिपी टू बिकम अ सुपरस्टार एक कप में शाहरुख को ले लीजिए एक कप में बच्चन साहब को ले लीजिए अब दोनों को प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और सालों तक धीमी आंच पे सिमर इट यू नो साला एक तो चुराई हुई लाइंस बोल रहा है वो भी ठीक से नहीं बोल सकता मिक्सचर जो बनेगा और उसके बाद देखा डैनी इसके स्टंट मैं करता हूं इसके डांसेस तक मैं करता हूं लेकिन इंटरव्यू यही देगा पर ये लाइंस तो तेरी है थी अब इसकी है स्टार है ना एक मिनट तू कोई गेम तो नहीं खेल रहा है ये दिखता तेरी तरह है ये बात तेरी तरह करता है बस कुछ तो गड़बड़ है यू मीन कुमका मेला एंड स्टफ पागल हो गया ये करण इज एवरीथिंग ओके एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके जस्ट लाइक यू तुम ना अपना मुंह बंद रखो मुंह तो तुम्हें बंद रखना चाहिए था बेबी करण ये क्या बकवास कर रहा है कितनी प्यारी बकवास है राइट और अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो आज शाम को ये फुटेज सारे टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई देगी तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे विकी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था शाम तक का टाइम दे पैसे भिजवा दूंगा ए तेरे लिए तो जा भी हाजिर है दोस्त मिल बांट कर बाय विकी बाय बेबी रिलैक्स बरका
इस लाइन में ये सब चलता रहता है। I'll handle it. करण, मालूम है, मालूम है कि इस लाइन में सब कुछ चलता है, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? एक बार भी उसे मारने का मन नहीं किया? हाँ, फिल्मों में और असल जिंदगी में फर्क होता है बरखा। दिख रहा है। चार घंटे हो और चाहे 16 घंटे, मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? हटो, हटिए आप लोग। करण साहब आ रहे। सलाम साहब। मैं काफी देर से देख रहा हूँ ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कुणाल से मिलने आए हैं। हम कुणाल के दोस्त हैं। फैंस, फैंस। कुणाल को बुला लाइए। कौन कुणाल? अरे कुणाल यार, जो मेरे डुप्लीकेट का रोल करता है। ओ, डुप्लीकेट। कमाल है। समझ गया साहब। बुला लो और कुर्सियाँ लगा लो। कम इन, कम इन प्लीज। डोंट माइंड हिम, वो यहाँ पे नया है। दादा कुर्सियाँ लगाना और कुणाल को बोलो उनके दोस्त आए हैं। बाय द वे, आई एम करण। डैनी। हाय। टिफिन। हाय। टिफिन। कम कम लो। वो शॉट में होगा, उसको बुला लेगा वो। हैव अ सीट, हैव अ सीट। आई डिडंट गेट टू मीट दीस गर्ल्स। आई एम करण। हाय जेनी। हाय जेनी। कुणाल। यू आर कुणाल रेडी? ऑसम। हाय सर। नाइस नेम। प्लीज हैव अ सीट। बोल दिया उसे शूटिंग में है ना? बोल कैमरा। आई मीन दैट डे आई वाज डूइंग अ सीन विद बरखा एंड बरखा बरखा शुड बी हे बरखा कम हियर बेबी 93/4 टेक 1 एक्शन। बात पैसे की होती तो मैं आता भी नहीं। गाइस जेनी एंड दैट वाज। चल बता बात क्या है? याद है जब हम लोग करण रोशनी, मैं बहुत दूर निकल आया हूं और मैं व्हाट वाज दैट बेहताशा। ओके विल टेक वन मोर। कुणाल रेडी? यस सर। क्लैप इन। आप लोग ऐसी बातें करते हैं? मैं तो नहीं करता यार। ओह दैट्स अ मिलियन डॉलर्स माइन। नाउ आई कैन अफोर्ड इट। स्टार। द स्टार। तेरा शॉट हो गया। ओह स्टार, शॉट ठीक से दिया ना? डोंट मेक मी लुक बैड ऑन स्क्रीन। हां सो गाइस, आज शाम को तुम लोग क्या कर रहे हो? शाम को मैं तो अपने बाइक की सर्विसिंग करा रहा हूँ। आजकल कम माइलेज देने लगी है। चल ठीक है, सर्विसिंग कराने के बाद तुम लोग सब क्लब निर्वाना आ जाओ। क्लब निर्वाना बहुत हैपनिंग जगह है। बट दोस्त, डोंट यू थिंक वहाँ की एंट्री फीस थोड़ी ज़्यादा है? चुप कर। अरे यार, तू स्टार के साथ आ रहा है, एंट्री फीस कौन पूछेगा? क्यों स्टार आ रहा है ना? आना। Gets to the dance floor and does a tick-tock call. We wanna go through all my people in the place. Go through 45 racks. Yele yaar, tu wahan kyun aa raha hai? Teri problem kya hai? See, everyone is having fun. I'm having fun, yeah. Hey Kunal, yeah. Come on. Aja yaar, puri din kya kar raha tu? Let's go dance. Yeah, you go dance. Go have fun dancing. What a party, Karan. मानना पड़ेगा। क्या पार्टी है यार? क्या पार्टी? क्या पार्टी है? क्यों? अच्छी नहीं लगी? अबे ये कोई पार्टी है? असली पार्टी करनी है तो कभी हमारे घर आ। अच्छा? ऐसा क्या होता है वहाँ पे? क्या होता है? अबे 4-lane drive होता है। एक आलिशान बिल्डिंग होती है और एक खूंखार बाउंसर भी होता है। कैप्सूल लिफ्ट है बॉस, सीधा लाउंज तक। चलो सेंट्रल एयर कंडीशन है बॉस और ऊपर करोड़ों लाइट्स। वेलकम टू द टेरेस लाउंज। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। व्हाट, यू गॉट अ हायाबुसा? हाँ, वही जो जॉन ने धूम में चलाई है शायद। क्यों, तुझे स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लगती है? आई लव दैट बाइक यार, I'm crazy about bikes. तो पहले क्यों नहीं बताया? तेरे लिए ले आता मैं। Are you serious? चल कोई बात नहीं, promise.
नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो तेरे लिए ले आऊंगा, चला लेना। और बिपाशा? जोक मार रहा है? नहीं, सीरियस हूँ। सॉरी गाइस, लेकिन तुम लोग बहुत फिल्मी हो। दानी फिल्मी है। मौसम? हाँ कुणाल। कुणाल क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं बताया मौसम? क्या? जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। मौसम 12 साल तक चुप रही और आज भी किसी और के मुंह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। कुणाल, पर एनीवेज अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? मैं किसी और को चाहने लगा हूँ मौसम। Enough, Karan. बता दे यार, वरना रो पड़ेगी। I'm sorry, मौसम, मैं तो कुणाल नहीं हूँ, ये जैकेट कुणाल का जरूर है, तो ये आप रख सकते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अबे नहीं नहीं, तेरे बारे में बात नहीं कर रहे, तू बजा बजा। अबे तेरी, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि कम से कम तुम लोग उसकी तरह सड़ू नहीं हो। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम। आप बता, किसके बारे में बात हो रही थी? अबे कुछ नहीं, मेरे बाप तेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, अरे एनीवेज, आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट। एक हफ्ते के बाद हमारा पूरा यूनिट शूटिंग के लिए बैंकॉक जा रहा है। मतलब कुणाल भी जाएगा? ये नहीं जाएगा तो शूटिंग कौन करेगा, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। चल, इसी बात पे मेरा मेरे नए दोस्तों के साथ एक फोटो ले, चल। Come on guys, let's have a snap together. क्योंकि सलमान खान ने कहा है कल हो ना हो। अबे सलमान ने नहीं, शाहरुख ने कहा। अबे जिसने भी कहा, तू फोटो ले यार। 3 टूथब्रश, 12 अंडरवेयर, 12 सॉक्स और कुछ? आज बोल डाल। वो तेरे 100 सटल इशारों को कभी समझ नहीं पाएगा। वापस आएगा वो, सीधा हॉलीवुड थोड़ी निकलेगा। और अगर नहीं आया तो? Hey mom, what's up? कैसे हो बेटा? Rocking, like always. मैंने सुना कि तुम अपनी फर्स्ट फिल्म की आउटडोर के लिए बैंकॉक जा रहे हो। Oh, you did? तुम्हारे पापा से बात हुई थी। तुम्हारे पापा का क्या मतलब? आपके कुछ नहीं लगते वो, मैं क्या टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? हुआ था मॉम, जब आप मुझे एमजी सक्सेना के पास छोड़ के चली गई थी, उसके बाद सीरियसली कभी सीरियस ही नहीं हुआ। एनीवेज मॉम, सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। हिंदी फिल्म कर रहा हूँ ना, थोड़ा इमोशनल हो गया था। बट यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ मायसेल्फ लाइक ऑलवेज। मिस्टर कपूर से कहना आऊंगा एक दिन उनसे मिलने। अब यही है, बात करोगे उनसे? मॉम, मॉम शॉट रेडी है, मुझे जाना है, मेरे डैड मुझे बुला रहे हैं। बाय मॉम। ड्रामा करती है। इतना बड़ा बैग और ये टी शर्ट्स के साथ कच्चे किसने रखे हैं? मॉम आई मीन अंडरवेयर के लिए बैग है ना, और इसमें ये, अरे 3 टूथब्रश तो। आंटी, एक स्पेयर और एक सेफ्टी के लिए। अरे टिफिन और डैनी थोड़ी जा रहे मेरे साथ, इतने सारे ब्रश लेके कहां जाऊंगा मैं? क्या कर रहे हो? जीते रहो, संभल के जाना, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स मां, अब एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। मौसम, हम्म,
Great shot, sir. Fantastic. Thanks. Great shot. Thanks. क्या क्या? क्या हो सर? क्या है? क्या कर रहे हो तुम? Shooting, sir. मैं तुम्हें और सारे यूनिट को यहाँ थाईलैंड तक ले आया हूँ. अरे ये सब तो हम बम्बई में भी कर सकते हैं. अगर थाईलैंड आई गए हो तो ये कुछ दिखाओ, नजारा दिखाओ. मैं डिस्ट्रीब्यूटरों को क्या जवाब दूंगा? कल सर, कल सब जमा देंगे सर. कल नहीं, आज करो. आज? ओके, नेक्स्ट शॉट, एक्शन. स्टार, वो तेरी खत्म हो. एक सेकंड ना. अबे कितना काम करेगा यार, 10 दिन हो गए, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ. चल एक काम कर, मुझे डिनर खिलाने ले चल. जस्ट किडिंग यार, मैं ही ले चलूँगा. चल थैंक्स, मैं ठीक हूँ. तो क्या मैं खराब हूँ? अबे चल यार, लेट्स गो पार्टिंग. मुझे कुछ नहीं पता, आई एम वेटिंग फॉर यू डाउनस्टेयर्स इन द कार. तू भी नीचे आ जा. चल करण, बाय. कुनाल, आई नो व्हाई यू हेट मी. क्या? मैंने कहा मैं जानता हूं कि तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है. अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जो शायद तुम डिजर्व करते हो. चलो तुमने ये तो माना कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो. मे बी, बट यू नो व्हाट कुनाल, I'm not stupid. I'm just lucky. तू कभी धारावी गया है? धारावी? धारावी. जब तू वहाँ से अपनी बुलेट राइट बुलेट पे गुजरता है तो वहाँ पे भी जो कचरा बीनने वाले लड़के होते हैं वो तुझे देख के सोचते होंगे, आ गया साला शो ऑफ, अपनी बुलेट पे शो ऑफ कर रहा है, बाल उड़ा रहा है. जबकि तू शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन उनकी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है. एंड इन द सेम वे मेरी भी गलती नहीं है. एज आई सेड, आई एम जस्ट लकी. मेक सेंस? आई एम इम्प्रेस्ड. यू आर. लेकिन करण, अगर तुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्यों कर रहा है ये सब? पता नहीं, शायद मेरा बाप चाहता है इसलिए, और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता. तेरी तरह. सीरियसली कुनाल, जैसे हमारी फिल्मों में कहा जाता है, अगर तू और मैं कहीं और मिले होते किसी और हालात में तो क्या हम दोस्त होते? डेफिनेटली. लेकिन अगर तेरी सूरत मेरे जैसी नहीं होती और मैं तेरे डुप्लीकेट का रोल नहीं कर रहा होता, बट करण, वी आर स्टिल फ्रेंड्स. चल गिव मी 5.
guys, it's not my birthday. अब मौसम यार तुम्हें नौकरी मिली है. It's like a new day in your life. Smile please. अरे एडिटर थोड़ी बन गई हूँ. सिर्फ जूनियर रिपोर्टर का जॉब मिला है मुझे. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. दे ताली. Exactly. देखो कोई पांडू बने या पुलिस कमिश्नर, बात तो एक ही है ना. पांडू बुला रहे मुझे. अब और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी शादी करवा. राइट. अभी तो जर्नलिस्ट बन गई है, पहले भी नहीं सुनती थी, अब तो और भी नहीं सुनेगी. हां जी, इसी बात पे फोटो हो जाए. से चीज. एक सेकंड. और आज की ब्रेकिंग न्यूज, राइजिंग स्टार करण सक्सेना आज एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. ये दुर्घटना बैंकॉक के एक फ्रीवे पे हुई जब करण शूटिंग के बाद ड्राइव के लिए निकले थे. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और वे आईसीयू में भर्ती हैं. खबर मिली है कि इसी दुर्घटना में एक जूनियर आर्टिस्ट की मौत हो गई है. उस जूनियर आर्टिस्ट का नाम कुणाल मेहरा बताया जा रहा है. अब हम आपको लाइव ले चलते हैं उस अस्पताल. कुणाल मेहरा और करण सक्सेना शूट के बाद ड्राइव के लिए रवाना हुए थे. आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये मामला शराब पीकर गाड़ी चलाने का है. हालांकि इस मामले में पूरी जानकारी पुलिस जांच के बाद ही मिल सकेगी. दूसरी तरफ करण सक्सेना की हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि अगले 36 घंटे उनके लिए नाजुक है. मिस्टर एन जी सक्सेना जो फिल्म के प्रोड्यूसर और करण के पिता भी हैं अस्पताल में मौजूद. खबर गलत भी तो हो सकती है. हाँ जी सर, सब सब एच टी चल रहा है. गॉड इज द ग्रेटर सर, कभी भी करण बाबा को होश आ सकता है. फिल्म कंप्लीशन पे सर. आप घबराइए मत, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा. मैं हाँ सर प्लीज, मैं करता हूँ प्लीज सर. सर वो फाइनेंसरों के फोन आ रहे हैं, पैसा मांग रहे सर. उनको बोलो मेरा बेटा मर रहा है, यहाँ मर रहा है. सर साले सब के सब अपने रंग दिखा रहे हैं. मिश्रा एक तुम ही हो जो मेरे इतने बुरे वक्त में मेरे साथ हो. बाकी सबके रंग देख लिए मैंने. सर सर बॉडी का क्या करें. लम्हे जाने बूझ कर
खुशियां तमाम लूट गए जाने कहां मुझे सारी दुनिया से सारी मीडिया से पता चल रहा है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। देखो मैं जानती हूँ कि तुम बैंकॉक में शूटिंग कर रहे हो, बस मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं पहुंच जाऊंगी। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे मिलने दो। नहीं नहीं, कोई आने की जरूरत नहीं है। जब तुम हमें छोड़ के गई थी तब भी हम दोनों अकेले ही थे और अकेले ही रहेंगे। थैंक यू। Mr. Saxena, your son, he's out of a coma. Archana. Karan, thank God, bete, main itna khush hu. Main janta tha ki tum ek fighter ho. Maut se bhi ladke aa jaoge mere liye, apne liye, apni film ke liye. Hum un sabko dikha denge. Sabko dikha denge ki Karan Saxena is back. Beta. तुम अभी आराम करो, आराम करो, मैं भी आता हूँ। मिश्रा को बोल के आता हूँ, मुंबई फोन कर देगा, ओके? करण कैसा है? You mean कुणाल? Sorry बेटा, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे भी अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। करण, आपका बेटा सर। Mr. Saxena, what are you doing? Wait a minute. I have to listen to him. You're disturbing him. I have to hear what he's saying. Look at his. Tum kya keh rahe ho? Karan, tum kya keh rahe ho beta? मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम कैसे कुणाल हो सकते हो? तुम करण हो, करण। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को। और वो घड़ी, वो तुम्हें याद है वो घड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी? वो थी तुम्हारे हाथ में करण। तुम कुणाल कैसे हो सकते हो बेटा? Definitely. लेकिन अगर तेरी सूरत मेरी सूरत से नहीं मिलती और मैं तेरे डुप्लीकेट का रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है, इसकी अगली फिल्म में तुम डुप्लीकेट का रोल नहीं करोगे, तुम हीरो का रोल करोगे और वो फिल्म तेरे लिए मैं प्रोड्यूस करूँगा। करण, आई नो वी आर फ्रेंड्स, बट ठीक है ना? अब बियर बोल रही है। अबे नहीं, सीरियसली यार, रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, रोलेक्स 650, ओरिजिनल है, 10 लाख की, साइनिंग अमाउंट। फिल्म हिट हो गई तो और दे दूंगा कैश में। रख रख। करण, आर यू सीरियस? डू आई लुक लाइक आई एम किडिंग? अब रख और चल, गिव मी अ फाइव नाउ। अबे हीरो बन गया तू हीरो, वो भी मेरी फिल्म का। उसके बाद कुछ याद नहीं।
सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लिए पैसा लगा रहे हो सिन्हा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये एक पैसों का खेल, मेरे लिए मेरे रेपुटेशन और मेरे बेटे की करियर का। ये क्या है? मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश तुम्हें साइन करने की। ये 25 लाख का चेक है। मैं कुछ समझा नहीं। यूं समझो कि अगले 6 महीने तक मेरे बेटे का रोल करने के लिए मैंने तुम्हें साइन किया है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये रोल तुम्हें किसी फिल्म में नहीं, जिंदगी में करना होगा। कुणाल, मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के बनने और रिलीज होने तक तुम करण सक्सेना बनकर जियो। सिर्फ 6 महीने तक कुणाल, सिर्फ 6 महीनों के लिए, और उसके बाद तुम्हारी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकते हो। ऑफ कोर्स सोचो, यू विल गो बैक एज अ मच रिचर मैन। सर, सर ये सही नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है। एक बाप अपने बेटे की लाश तक देख ना पाए, ये सही नहीं है। एक माँ अपने बेटे के मरने के 3 हफ्ते बाद तक उसके लौटने का इंतजार करती रहे, ये सही नहीं है। ये देखो, ये देखो, मेरे बेटे की चिता को अब तुम्हारे पिताजी ने दी। मुझे तो जिंदगी से यह हक भी नहीं मिला। कुणाल मेरा सब कुछ बिखर चुका है। बीवी तो कब की छोड़ के चली गई, एक बेटा था जो मर गया। मैंने इस फिल्म पे मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया है। उधार के 50 करोड़, मेरा करियर, मेरे बेटे के सपने, और सिर्फ तुम मेरे बेटे के अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हो, और मैं तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता हूं। एंड नीडलेस टू से, ये 25 लाख का कॉम्पेंसेशन कल सुबह ही तुम्हारे फादर के पास पहुंच जाएगा। कुणाल, इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर जूनियर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि वो एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, सुपरस्टार बनेगा। वो नाम मैं तुम्हें दूंगा, वो पहचान तुम्हें दूंगा, वो फ्राइडे मैं तुम्हें दूंगा, वो फ्राइडे जो तुम्हें इंडिया का अगला सुपरस्टार बनाएगा। सुपरस्टार करण। करण मेरा दोस्त था, वो मेरा बेटा था। सुपरस्टार करण।
क्या लगता है सर? लगता है मान जाएगा। थैंक यू मिश्रा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मेरे इतने बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया सर। मुझे लगता है एक काम करते हैं। हाँ सर। अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह डबल। सर सर आप ऐसे वक्त में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? सर वो बस मुंबई टेरिटरी के कलेक्शन लेना चाहूंगा सर। हा? और कुछ नहीं सर। इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर जूनियर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि वो एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, सुपरस्टार बनेगा। लेकिन आज तक कितने बन पाए? कितने नाम गिनवा सकते हो तुम मुझे? ये लाइफ भी अजीब है ना। एक महीने पहले तुम यहां आए थे इस यूनिट का एक आम जूनियर आर्टिस्ट बनकर, और आज वापस लौट रहे हो एक सुपरस्टार बनके बिजनेस क्लास में। चलो फ्लाइट में थोड़ी देर है तो लाउंज में बैठते हैं। आ जाओ। मिस्टर करण, उस हादसे में एक जूनियर आर्टिस्ट की मौत हो गई। कुछ कहना चाहोगे उस जूनियर आर्टिस्ट के बारे में? उसका नाम कुणाल था। वैसे तो जूनियर आर्टिस्ट के पेमेंट पर डे 700 रुपए होते हैं, मगर 25 लाख रुपए की एक बड़ी रकम हमारे जूनियर आर्टिस्ट के परिवार को देकर बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। और आखिर में सभी जूनियर आर्टिस्ट की तरफ से करण सक्सेना को शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं साला अपने आप को हमारा दोस्त बोलता था। 25 लाख कीमत लगा रहा है दोस्ती की। डैडी प्लीज। थक गए होंगे, आराम कर लो। कल से हमें बहुत काम करना है। उस पर नजर रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे जो कल के सुपरस्टार को नहीं करनी चाहिए।
मॉर्निंग सर। कुणाल, अरे रुको, रुक, ए, कुणाल। तुम्हारे जख्म तो भर गए लगता है। अरे ओके ना जी, शूटिंग शुरू हो गई? जी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तुम हमें देखने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है, लेकिन मेरा बेटा तो स्टार था। जानता हूं। ये तस्वीरें अभी निकाल कर रखी है बाहर, अभी कहते हुए शर्म नहीं आती कि मेरा बेटा नाटक करता था। जब 12 साल का था तब पड़ोस की रामलीला में हनुमान जी बना था। 3 दिन पहले से ही मुंह में टॉफियां दबाए घूमता रहता। कहता था कि रूल की प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं, हाँ, मेथड एक्टिंग ना। मैं उसके सारे स्कूल के प्लेस, सारे एनुअल फंक्शंस देखने जाता था। खत्म होने पर खड़े होकर कभी ताली नहीं बजाता था, उसके पहले ही बाहर निकल आता। क्या करता, मिडिल क्लास है ना, शर्म कुछ ज्यादा ही आती। जाने मैं कुणाल। अरे करण बाबा, मैं वो, अच्छा है, क्या है कि वो CNN वाले, जूम वाले, बहुत सारे प्रेस वाले आ गए और क्या है कि डैडी गाड़ी में वेट कर रहे हैं, कह रहे कि मैं बेटे के साथ ही इंटरव्यू दूंगा। चाय तो पी के हो गया, तो चले, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए, तुम्हारी एक अमानत पड़ी है मेरे पास, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पैसे तुम रख लो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक बात कहूं, मैंने अपने बच्चे की कभी तारीफ नहीं करी। मैं डरता था कि कहीं तुम्हारी इंडस्ट्री उसका दिल न तोड़। दिल तोड़ना तो छोड़ो, तुम लो ना तो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए, नीचे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। और बेटा, अगर पब्लिसिटी ही चाहिए तो उसके और भी कई रास्ते हैं। दया करके हमारे घर फिर कभी मत आना, हम दोनों को बहुत तकलीफ होती है। Thank you.
घर पे सब कुछ ठीक ठाक? आइंदा ऐसी हरकत मत करना। डोंट मेस अराउंड विथ मी, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अपने आप से और बाकी सबसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे नहीं होगा। गाड़ी रोको ड्राइवर, गाड़ी रोको और बाहर जाकर खड़े रहो। मिश्रा तुम भी। झूठ तो तुम बोल ही चुके हो कुणाल, अब इस झूठ को जीना है मेरी फिल्म रिलीज होने तक। और अगर मैं ना करूं तो किसी न किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे का खून करके तुम ऐसे ही जी पाओगे? क्या खून? एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक फिल्म स्टार और एक जूनियर आर्टिस्ट, दोनों हमशक्ल, दोनों ड्राइव पे जाते हैं और वहां एक्सीडेंट होता है। कट, दोनों में से एक मर जाता है और दूसरा आकर बोलता है कि वो फिल्म स्टार है, बकायदा उसकी घड़ी पहनकर। और तुमने कुणाल, तुमने ये झूठ बोला। ये मिश्रा, वो गरीब डॉक्टर और मीडिया के पूरे लोग यही गवाही देंगे कि हाँ, तुमने कहा था कि तुम करण सक्सेना हो। करण सक्सेना को मारकर कुणाल मेहरा ने उसकी जगह ले ली। अच्छा लगा प्लॉट? डेवलप कर दें इसे, बना दें फिल्म। एक नए करण सक्सेना के लिए एक नई घड़ी, बिल्कुल वैसी जैसी मेरे बेटे ने पहनी थी। कुणाल, अगले हफ्ते शूटिंग शुरू हो रही है, तुम चाहो तो ये सच सबको बता सकते हो, लेकिन फिर जैसा मैंने कहा, किसी न किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं, सपने देखने की आदत जो है। कट! माइंड ब्लोइंग शॉट सर। थैंक्स सर। मजबूरी वाला एक्सप्रेशन, मजा आ गया, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, नेचुरल था। नेक्स्ट शॉट। ओ धोनी महाराज। सर, ये यहीं छक्के मारोगे या बाहर भी कुछ करोगे? स्कूप, स्कूप। स्कूप आपका पक रहा है, पक रहा है, उसे पकने दो जरा सा। मौसम, कम हियर। प्रशांत, ये मौसम है और ये प्रशांत है, ये हमारी नई ट्रेनी रिपोर्टर है। तभी तो मैं कहूँ कि ऑफिस का मौसम कुछ बदला हुआ है। हाय प्रशांत। मौसम सर, वो रिपोर्ट खत्म करनी थी। हाँ, यू कंटिन्यू। थोड़ी सी खड़ूस है। यू आर गोइंग टू बी हर मेंटर, इसे गाइड करते रहना। सर, अब नहीं भी कहते ना, तभी मैं ये करने वाला था। अच्छा, हे अच्छा अच्छा, सुनो, बात मत बदलो, ये बताओ कि स्कूप का क्या होगा? स्कूप के लिए इंतजार करना पड़ता है, बट डोंट वरी, अगला स्कूप मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। करण की स्पोर्ट्स बाइक, उसकी सबसे प्यारी चीज, आज से तुम्हारी। स्टार
क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? करण, गुड क्वेश्चन। करण मैं हूँ के तू? नाइस भाई, कहाँ तूने भी दारू पी के गाड़ी चलाना शुरू कर दिया? करण, आई एम रियली सॉरी। मैं चल यार, तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? मरा मैं हूँ कि तू? तू कहाँ मरा? मरा तो मैं हूँ, उधार की जिंदगी जी रहा हूँ। फिल्मी साला। अबे मेरे साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी और मेरी किस्मत, अपने पे मत ले। तेरी मौत मैंने ले ली, अब तू मेरी जिंदगी तो जी ले। और हाँ, थोड़ा स्टाइल से हाँ, करण सक्सेना का रोल निभा रहा है तू। ये रोल बहुत मुश्किल है। तो एक्टर बनने के लिए किसने कहा था? अब ज़्यादा सोच मत, जस्ट गो एंड हैव सम फन एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव यू स्टूपिड मैन। और हाँ, यू बेटर मेक मी लुक गुड। एडियोस। फिल्म फैक्ट्री वालों का फोन आया था, 3 पिक्चर डील ऑफर कर रहे हैं, 34 करोड़। मैंने कहा क्यों, 1 करोड़ कम क्यों? 1 उंगली कम है इसलिए। बस 2-4 दिन और फिर द फिल्म इज रेडी। फिल्म रिलीज हो रही है, तू स्टार बन जाएगा। लेकिन एक बात कहूँ, एक कैमरा है ना, बहुत शाइनी चीज़ है, ऐसे पकड़ लेता है। अपन थोबड़े पे मेकअप लगा कर सब बरोबर कर सकते हैं, लेकिन अंदर के इंसान को मेकअप कभी नहीं लगता, क्योंकि ये सट से पकड़ लेता है। और ये एडवाइस मैं तुझे विनम्रता से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी तुझे ज़रूरत पड़ेगी, हर स्टार को पड़ती है। एक और चीज़ की ज़रूरत है जो आसानी से हर स्टार को नहीं मिलती, आपकी जादू की छप्पी। एक मिलेगी क्या? बिंदास। No more questions, thank you, thank you. बाबा बोले तो संजू बाबा। तो ये बताए करण साहब, कैसा लगता है ये दोहरी जिंदगी जीना? मतलब यू नो, डबल रोल, रियल लाइफ में कुछ और सेट पे कुछ और। आसान तो नहीं है, पर क्या करें, एक्टर हूँ ना, अपने हुनर से गद्दारी भी नहीं कर सकता। वैसे आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, लोगों के पर्सनल जिंदगी में झांकने की आदत और उनसे कुरेद कुरेद कर सवाल पूछना, मज़ा आता होगा ना। हाँ, तुम बैठो, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। Come on, Vicky, please. Hey, ऐसे भी क्या जल्दी? अभी भी इतना गुस्सा उस वीडियो का? जानते हो वो वीडियो मैं तुम्हें वापस कर सकता हूँ, उसके लिए एक नहीं, शर्त नहीं, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? बिल्कुल वैसा वीडियो मेरे साथ भी। How dare you? Hey, what's up? Thanks. I'm sorry, हाँ? Thanks, man. करण जी, ये लवर का क्या हुआ? चले यहाँ से। हुआ क्या है? तुम चल रहे हो कि मैं जाऊँ? लेकिन हुआ क्या है? थप्पड़ मारा। देख देख,
देखी देख क्या गुस्से में देख रहा है, लगता मारेगा। मारेगा नहीं, पप्पा को फोन करेगा। पप्पा को कान में बाली, बालों में चोटी। पप्पा ने लड़का चाहा था लेकिन लड़की पैदा हो गई। रिटर्न द फेवर, खींच के मारो। बेटे ये तेरी फिल्म नहीं है, यहाँ कोई डुप्लीकेट तेरे लिए मार खाने नहीं आएगा। चल जा घर जा। अरे घर जाना, अरे जाना, जा घर जा, अरे जाना। नहीं जाएगा? अच्छा चलो इसे एक साथ रख कर मिल बांट कर। लेकिन क्या करूं करण साहब, जर्नलिस्ट जो हूं अपने हुनर से गद्दारी भी तो नहीं कर सकता। दादा ये थोड़ा लग गया, कवर कर दीजिए। How are you, Baba? Hey, Barka. How are you feeling? मैं ठीक हूँ। ये पढ़ा तुमने? मिश्रा, मिश्रा, हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? ये अब कौन बताएगा इसके बारे में? मैं बताने ही वाला था। किसने किया ये सब? एक टीवी चैनल ने शुरू किया, फिर बाकी जर्नलिस्ट रेडियो के जैसे कहानी के पीछे लग गए और एकदम आग की तरह, मतलब दो घंटे है तुम्हारे पास। जिस जर्नलिस्ट ने भी ये सब लिखा है उसे यहाँ पर लेकर आओ। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जाओ मिश्रा, गो। स्टार बन गया है।
नाइस शॉट। स्टार बनने की तैयारी कीजिए स्टार। हाँ वेट प्लीज वेट, वो रिपोर्टर आ गए बाबा। आई हैव बीन वेटिंग ऑल डे टू मीट दिस ब्लडी रिपोर्टर। कौन है जिसे मेरी जिंदगी के बारे में सब पता है? सब नहीं पर बहुत कुछ। हाउ कैन दिस ब्लडी रिपोर्टर हेल्प यू करण सक्सेना? रिपोर्टर, ये आर्टिकल तुमने लिखा? कोई एतराज, जो होगा वही छपेगा। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट? एक दोस्त की हैसियत से सच्चाई। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं करण सक्सेना, मैं सिर्फ एक जूनियर रिपोर्टर हूं, ठीक उसी तरह जैसे कुणाल एक जूनियर आर्टिस्ट था। एंड यू नो व्हाट, यू आर अ मर्डरर। तुमने कुणाल की जान ली है। यू सच अ, एंड यू नो व्हाट, कुणाल तुमसे कहीं बड़ा असर था। इसके ऊपर चलना है, ठीक है। संभल के। What's wrong with you? यह पहली बार तो नहीं कर रहे हैं करें। बरखा, मैं यह नहीं कर सकता। क्यों करें? जान सकती हूँ? मुझे नहीं पता। पर मुझे पता है। मुझे पता है कुणाल। मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। तुम क्या कह रही हो बरखा? तुम जानते हो कुणाल मैं क्या कह रही हूँ। कुणाल मैं ये नहीं जानती कि क्या हुआ कैसे हुआ, पर मैं जानती हूँ जो तुम कर रहे हो उसके पीछे जरूर एक वजह है जो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम गलत नहीं हो सकते। अभी पब में शराब पी के हंगामा करने की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि सुपरस्टार करण सक्सेना का अगला कारनामा सामने आ गया। आज हमें उनका और उनकी सो कॉल्ड को स्टार बरखा का एक अश्लील वीडियो मिला। इस वीडियो ने उनके बीच पक रही खिचड़ी को पूरे देश के सामने परोस दिया है। हालांकि ये तस्वीरें इतनी अश्लील हैं कि हम इनको टेलीकास्ट नहीं कर सकते, पर क्या करें, सच छुपाया भी तो नहीं जा सकता। ब
बॉयज विल बी बॉयज। सर आपने बहुत नाइंसाफी की है मेरे साथ। आखिर क्या गलती हुई हमसे कि आपने ये न्यूज किसी और को रिलीज करवाने दे दी? अरे यार सब कुछ इतना जल्दी हुआ। वो क्या नाम है उस लड़के का? विकी। ऐसा तमाशा किया उसने कि सब कुछ जल्दी में करना पड़ा। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है प्रशांत। हुकुम कीजिए सर। देखो थर्सडे को प्रीमियर है, अगले एक हफ्ते तक ये न्यूज तुम्हारे पेपर में उछालो। एंड आई प्रॉमिस यू, प्रीमियर के बाद करण का पहला इंटरव्यू तुम करोगे। हाउ काइंड ऑफ यू, जेंटलमैन्स वर्ड। मिश्रा सर। सक्सेना साहब, अगर करण के कुछ नए फोटोज मिल जाते तो। हाँ व्हाई नॉट। थैंक यू सर, चलता हूं। सर इस जर्नलिस्ट पे भरोसा किया जा सकता है? तुम पर किया ना। सब कुछ रेडी है, स्टार्ट रोलिंग। पिक्चर आ रहा है, गुड, परफेक्ट। कुणाल माय बॉय, I'm proud of you. Proud. आपने तो कहा था कि आपने उस विकी का मुंह बंद कर दिया। हाँ वो विकी का मुंह भर दिया। बेचारा विकी, क्या करता? वो MMS क्लिप बनाकर आपने 8-10 दोस्तों में बांट देता। But I got you a national release. ये सब करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस वीडियो क्लिप में मैं नहीं आपका अपना मरा हुआ बेटा करण है। बैठो ना तुम। मैं तो अपने मरे हुए बेटे को भूल गया, लेकिन तुम अपने जिंदा मां बाप को भूल गए? भूला नहीं हूं, बस कुछ देर के लिए आपने भूलने पे मजबूर कर दिया। मजबूरी। अच्छा डायलॉग है, किसी फिल्म के लिए रखो। इस शहर में जब रोशनी की आदत पड़ जाए ना तो अंधेरों से डर लगने लगता है। सच तो यह है कि तुम्हें रोशनी की आदत हो गई है, चस्का लग गया है एक स्टार की लाइफ का। कुणाल, ये रह रहे कि क्या हो जाता है तुम? सिर्फ एक हफ्ता बाकी, अगले थर्सडे प्रीमियर है, धूल मिट्टी धूप पानी सब कुछ हो चुका है। अब तो सिर्फ फसल काटने का टाइम है, एक हफ्ते के बाद तुम आजाद हो जाओगे सदा के लिए और करोड़पति भी। यू आर लिविंग माई सन्स ड्रीम, सो लिव इट टू द फुलेस्ट। मुझे खुशी है कि तुम जैसा अच्छा एक्टर लाइफ के इस शूट में मेरे बेटे का रोल कर रहा है। मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं सचमुच आपका बेटा नहीं। सर ये कम ऑन सर, अभी अभी 30 करोड़ की डील हाथ लगी है, 4 जगह और बात चल रही है और आपने यूं ही कैसे कह दिया कि एक हफ्ते बाद तुम आजाद? हाँ इतनी आसानी से मैं उसे आजाद नहीं होने दूंगा मिश्रा। वो घिसी पिटी कहावत है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी काटते नहीं। स्टूडियो इज रेडी टू गो लाइव, व्हाट इज द स्कूप? वेयर इज द स्कूप? खबर गलत थी, देयर इज नो स्कूप। तेरे बिना
जीना पाऊं संग तेरे जीना पाऊं होके जुदा अब हम मिले अब ना कभी होगे जुदा अब क्या कहूँ इसके सिवा मन तू तलबैत तू मन तलबैत मन तू तलबैत तू मन तलबैत वहीं न किंती وينك انتي يا نور العين وينك انتي تعلي حياتي تعلي عيوني وقما في القلب सुबहों ने फिर चूमे कदम कुदरत ने हाथों से लिखे खुद रिश्ते ये जन्मों जन्म अब मिल गए लो फिर से हम सुबहों ने फिर चूमे कदम कुदरत ने हाथों से लिखे खुद रिश्ते ये मनीष मल्होत्रा फॉर द प्रीमियर दिल के वरक पे है लिखा हर लफ्ज तेरे प्यार का ये वक्त ने चाहा बहुत लेकिन ना फिर भी मिट सका दिल के बरफ पे है लिखा हर लफ्ज तेरे प्यार का ये वक्त ने चाहा बहुत लेकिन ना फिर भी मिट सका हर लम्हा ये कहने लगा मन तू तलबैत तू मन तलबैत मन तू तलबैत Thank you. Please sit down. Please. Moment. मेरा क्या होगा? अकेले? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं?
सपने देखने की आदत जो है। सब ठीक है ना सर? Couldn't be better. बॉम्बे टेरिटरी बहुत बड़ी है मिश्रा, करोड़ों में गिनती आती है ना। बस अब इंटरवल होने वाला है और कहाँ गया है वो लड़का? कहाँ है करण? को माइंड ब्लोइंग सक्सेना साहब, थैंक यू। पिक्चर इज सुपर हिट। हाँ, योर सन इज टू गुड। हेलो, ढूंढ रहा हूँ मैं। मिल गया। क्या बे? चलो रखो। हजारों लोगों को जानती है जो इस वक्त यहाँ होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी किया और मुझे लगता था कि यही एक तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का। एंड देन आई मेट यू। तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि तुम अपने सपनों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दोगे। That you would dare. Dare to kiss the truth. So, we did it, Mishra. We did it. इस फिल्म का जो भी हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर माय स्टार, यू आर माय हीरो। स्लो फेवरेट मिस बरखा। थैंक्स दोस्त, लेकिन अब बस आप कुनाल चाहिएगा। सो होल्ड योर ब्रेथ एंड वेलकम करण सक्सेना। Well, so do we. So friends, let's hear it once again for the newest sensation, Karan. जेंटलमैन, आई होप आप लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी हो और इसे देखने में आपको भी उतना ही मजा आया हो जितना कि इस फिल्म को बनाने में हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर एमजी सक्सेना को आया है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस फिल्म सर। मीन्स अ लॉट टू मी, सीरियसली। इस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल डाली है। मैं तो सिर्फ अपने आप को इस
70mm के पर्दे पे देखना चाहता था, उन फिल्म स्टार्स की तरह जिनको मैं खुद देखते हुए बड़ा हुआ। यही मेरा सपना था और इस सपने को पूरा करना मेरी जिंदगी का मकसद। कुछ लोगों को लगता था कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं माना। क्या करूं, सपने देखने की आदत जो है, और आज वो सपना पूरा हुआ। लेकिन शायद ये सपना मेरा नहीं, या फिर इस सपने की कीमत चुकाने की हिम्मत मुझ में नहीं। आज की ये रात सक्सेना साहब ने मुझे एक प्लेट में सजा कर दी है, एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ। लेकिन शायद मैं और सक्सेना साहब दोनों ही ये भूल गए कि आपकी पहचान वो नहीं होती जो कोई और आपको दे, आपकी पहचान वो होती है जो कोई आपसे ले ना सके। आज मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, इतने दिनों तक आप सबसे झूठ बोलने के लिए और एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो मेरी नहीं। मिश्रा, स्टॉप हिम। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त आपके सामने जो खड़ा है वो करण सक्सेना नहीं बल्कि जूनियर आर्टिस्ट कुणाल मेहरा है। उस एक्सीडेंट में जिसकी मौत हुई वो करण सक्सेना था, मेरा दोस्त करण सक्सेना। और ये सब आज मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज नहीं कह पाया तो जी नहीं पाऊंगा। मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो मेरी नहीं है, मेरे दोस्त करण की है। लेकिन मैं करण नहीं, कुणाल हूं, और मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं अपने अपनों के साथ। मैं कोई स्टार नहीं और ना ही मैं अच्छा एक्टर जैसे मेरे कुछ दोस्त समझते, क्योंकि ना तो मैं एक मां की आंखों में आंखें डाल के यह कह पाया कि मैं उसका बेटा हूं, और ना ही किसी मां की आंखों में आंखें डाल के यह कह पाया कि मैं उसका बेटा नहीं। I'm sorry मां, बहुत तकलीफ दी ना मैंने, तुझसे ही सीखा था बड़े सपने देखना, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि जिंदगी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों को समेट कर बनती है। यही सिखाना चाहते थे ना आप पापा। मैं हमेशा सोचता था कि आप मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन अब जानता हूं कि आपसे ज्यादा मुझे और कोई समझ भी नहीं सकता। एक मौका दे दीजिए, वन डे आई विल मेक यू प्राउड। दूसरों के लिखे हुए बड़े बड़े डायलॉग बोलता रहा, लेकिन जिससे प्यार करता हूं उसे आज तक नहीं बोला। लेकिन आज चाहूंगा कि सच बोलकर उसका प्यार नहीं तो कम से कम उसकी नफरत पा सकूं। मौसम, आई लव यू। बस सुनो मौसम, रुक।
तेरा करियर खत्म, बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। अबे ओ मिश्रा, साले 720 रुपए पर डे दाढ़ी वाले जूनियर आर्टिस्ट का करियर तू क्या खत्म करेगा? अरे डैनी, अरे वो तो चली गई यार। तू तो जानता होगा कहाँ गई होगी। तू इनको संभाल। कुणाल, मैम थोड़ा सा ले, थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, थोड़ा राइट प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, ये भी परफेक्ट है। सिर्फ एक मौका और, जस्ट वन लास्ट चांस। सब कुछ छोड़ दूंगा, मौसम है सुहर, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहाँ? हॉलीवुड? भोजपुरी भी चलेगा। कुणाल, मुझे बहुत पेशेंस है, हिंदुस्तानी लड़की हूँ ना, बहुत कुछ सह सकती हूँ। मैं आसमान को देखकर बड़ी हुई हूँ, बारिश के इंतजार में, मगर मैं और सह नहीं सकती। एक मिनट, कुणाल प्लीज। मौसम, स्टॉप इट, यू आर ऑल आई हैव, सीरियसली। और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इन दिस लाइफ एंड ऑल द अदर्स टू कम। आई लव यू मौसम। पागल, नकली बारिश, बारे की फायर ब्रिगेड, टोटल फिल्मी। क्या करें, अपनी पूरी जिंदगी फिल्मी है। सुबह ने फिर चूमे